स्टूडेंट्स SVM स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है वो है पंजाबी और 11th में हम कविता पढ़ेंगे श्री गुरु नानक देव जी। बच्चों साहब आप मतलब गुरु नानक देव जी के तो बारे में सुना होगा। पंजाब के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। उनका जन्म 1469 लेके 1539 ईस्वी तक वो रहे। उनके बीच में उन्होंने क्या किया, कौन सी कविताएं लिखी और यात्रा कहाँ कहाँ की उन्होंने, मतलब जो समाज सुधारक के लिए प्रति उन्होंने क्या कुछ काम किया और क्या नहीं, तो मैं उसके बारे में आपको कविता की जो उसका गुरु नानक देव जी का जो परिचय है वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो बेटा वो ध्यान से सुना, ठीक है। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म दे पहले गुरु सी। कह रहे कि जो सिख धर्म के गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। पंजाबी श्रेष्ठ कवि सी और नाल की सी पंजाबी दे श्रेष्ठ कवि सी। कवि मतलब जो मतलब कविताएं लिखते हैं वो क्या कवि थे। आप जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी नुराए पोई दी तलवंडी ननकाणा साहिब जिला शेखपुरा जो हूँ की उन गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ 15 अप्रैल 1469 ईस्वी नु राय पोई तलवंडी नाना साहेब जिला शेखपुरा जो कि आजकल पाकिस्तान विखे है। तो उन्होंने माता तृप्ता दी कुखों जन्म लिया ते पिता दा की नाम सी मेहता कालू। ते बाबा नानक जी बचपन तो ही विलखण शख्सियत दे मालिक। कह रहे गुरु नानक देव जी जो बचपन से ही वो किया भी मतलब अलग विचार सी उन्हां दे भी मतलब उन्हां दे जिवें अपने आम समाज विच उन्हां दे जड़े विचार सी के वो मेल नहीं खांदे। आप अध्यात्मिक विचारां दी धारनी ते हर वेले रब दी भगती विच लीन रहिंदे सन। कि गुरु नानक देव जी की है भी मतलब आप मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा की है भगती भाव मतलब रब दी भगती करन विच बहुत ज़्यादा मायर सी। मतलब उन्होंने ग्रस्त जड़ा जीवन सी ओ मतलब उन्होंने कम रुचि सी उन्हां च ते ओ मतलब ज़्यादातर रब दी जदों भी उन्होंने कोई भी टाइम मिलता तो मतलब वह रब दी भगती विच लीन रहिंदे सी। ते आप अध्यात्मक विचारां दी धारनी सन हर वेले रब दी भगती विच लीन रहिंदे सन। माता पिता आप दी जी दी दुनियादारी विच प्रवीण वेखना चाहुंदे सी। केड़े कि जो गुरु नानक देव जी दे जिहड़े माता पिता सन वह की चाहुंदे सी नी साडा मतलब जिहड़ा पुत्र है वह मतलब घरस्थी विच अपना जीवन व्यतीत करे नहीं, पर गुरु नानक देव जी जिहड़ी सोच सी वह की है अध्यात्मिक जो मतलब गुरुआं दे बारे विच मतलब रब दी भगती विच लीन ते उन्हां दी सोच सी भी मैं ज़्यादा तो ज़्यादा रब दी भगती करा। प्रवीण वेखना चाहुंदे सन। बालक अवस्था विच बीबी सुलखनी नाल आप जी दा विआह हो गया ते माता पिता ने की कीता भी जी जदों थोड़े वड्डे होए मतलब जवानी जेड़ा टाइम आ गया तो उन्हां दे माता पिता ने की कीता भी उन्हां दी शादी बीबी सुलखनी नाल कर दिता। आप जी दी संतान दे 200 पुत्र बाबा श्री चंद ते लक्ष्मी दास होए। फिर आप दे घर गुरु नानक देव जी दी शादी तो बाद उन्हां दे घर दो पुत्रां ने जन्म लिया, एक तां सी श्री चंद ते दूजा सीगा लक्ष्मी दास। आप जी दे जीवन विच आप दी वड्डी भैण बेबे नानकी ते जीजा जय राम ने बहुत वड्डा योगदान पाया। गुरु नानक देव जी दी वड्डी भैण सी जिहदा नाम सी भैण नानकी ते जीजा जी जय राम जिहड़ा कि इन्हां दे जीवन विच बहुत वड्डा योगदान पाया। उन्होंने भैण दे कहे ही गुरु जी तलवंडी तो सुल्तानपुर लोधी चले गए। क्या कि जदों उन्हां दी भैण ने कहा कि तुसीं सुल्तानपुर तो लोधी चले गए अते मोदी खाने विच नौकरी थी। गुरु नानक देव जी ने जदों घरदिआं ने कहा भी तुसीं तेरा हुण विआह हो गया भी मतलब तू जिहड़ी कि जो जिहड़ा घरस्थ जीवन है वह तू जी, तो उन्होंने फिर बेबे नानकी ने गुरु नानक देव जी को अपने को बुला लिया तो फिर उन्होंने मोदी खाने च एक छोटी मोटी जी नौकरी दवा दी।
इत्थे धर्म दा प्रचार लई देश विदेश दा रटन शुरू करता। उत्थे भी उन्होंने मोदीखाने च भी की किया, उत्थे भी उन्होंने मतलब देश प्रदेव ज़्यादातर जिथे भी काम करते रब दा नाम लेंदे, मतलब जिथे भी उन्ने जिन्हें भी बंदे होंदे तो मतलब वो रब की भक्ति बारे ही उत्थे रब की भक्ति विच ही मतलब रब की गल्लां विच उन्हां दा ध्यान रहिंदा। आप दी यात्रावां फेरियां मतलब उन्होंने फिर की किया, मतलब वो उत्थों आके उन्होंने चार दिशावां दी यात्रा की, ओम पूर्व पछम उत्तर ते दक्षण। फेरियां नूं सिख धर्म की उदासियां नाल याद किया जाता है। उदासियां दे दौरान गुरु नानक देव जी अनेक राजियां महाराजियां पंडिता मुल्ला मुलाणियां धुनिया पापियां अनेक फिरकियां वर्गे धर्मां दे लोकां नूं मिले। क्या उन्हें गुरु नानक देव जी जदों उन्होंने चार दिशावां दी जदों यात्रा की तो उन्होंने बहुत सारे जिवें राजे महाराजे पंडित मुसलमान मौलवी ते उन्हां नूं अलग अलग तरह के धर्मां दे लोग मिले ते उन्हां नूं मिल के ते उन्हां दे अलग अलग धर्मां दे संस्कारां नूं उन्होंने जाणिया ते उन्हां नूं भी जे जिहड़े कोई पाखंड करदे सी ते उन्हां नूं भी उन्हां गुरु नानक देव जी ने अपनियां गल्लां ते धार्मिक गल्लां नाल उन्हां नूं की है सीधे राह पाता। उन्हां दे विचार वंटारदा अते गोष्ठियां कीतियां। इस तरह आपने लगभग 28 साल देश प्रदेशों की यात्रा मतलब गुरु नानक देव जी ने जिहड़ी यात्रा की सी वो 22 साल तक उन्होंने अपनी यात्रा की सी। करतार 1539 ईस्वी नूं करतारपुर विखे आप ज्योति जोत समा गए। कहिंदे 22 साल की यात्रा करके आखिर 1539 ईस्वी विच करतारपुर विखे ज्योति जोत समा गए, मतलब उन्होंने उन्होंने देहांत करतारपुर विखे होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आप दे 974 शब्द दर्ज है। आपने 19 रागां दी बाणी दर्जी है। आप दी बाणी फारसी अरबी हिंदी संस्कृत आदि भाषावां दे बहुत सारे शब्द मिलते हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी वाणियां दा रचना किया, 974 उन्हां दे शब्द सी बाणी सी ते उन्होंने मतलब हिंदी पंजाबी अरबी फारसी कई भाषावां ने उन्हां विच अपनी भी जिहड़ी राग मतलब कविता उन्होंने लिखी, पर फिर भी इसने ठुक पंजाबी है। पर ठुक मतलब अपनी जड़ी असलियत पंजाबी वो उन्हां दी पंजाबी है। अते इस विच पंजाब दी धरती दी सुगंध सुगंध मतलब खुशबू। आप दे सलोक छंद सोले वार ब्रह्मार अष्टपदियां आदि कवि रूपां विच बाणी रची है। इस तो इलावा जापूसी असादी वार श्रिष्ट गोष्ठी ब्रह्मा पट्टी तिथि आदि आप दियां प्रसिद्ध रचनावां हन। आप जी दी बाणी राग कवि समुंदर सुंदर सुमेल हन। बिंबावली छंद प्रबंध आदि पक्षों ये बाणी उच्च पाई है। जन साधारण पद्धर दी बोली विच रची गई बाणी आम लोकां दी समझ आउण वालियां ते आदि अध्यात्मक दा सुनेहा देण वालियां हन। इस दे नाल ही बाणी कमजोर ते लिताड़े वर्ग दे हितां दी आवाज़ भी बुलंद करदी है। गुरु जी बाणी तो मनुख मात्र दू वहमां भरमां अते झूठे कर्मकांड तो मुक्त होण अते जीवन दे प्रति सुरहिंद होण दा उत्साह मिलदा है। आपने हक दी कमाई करन ते परमात्मा दी भजन बंदगी उपर बल दित्ता है। कुदरत दे कादर दे चमत्कार सांझीवालता दा सुनिया है। हक सच दी आवाज़ आदि आप दी रचना दे प्रभावी विषय हन। हथले संग्रह विच विद्यार्थियों दे ज्ञान विच वादा करन लई उन्हां दी बाणी दर्ज है। कि तुहानू पता ही है कि गुरु नानक देव जी ने बहुत से जिवें समाज सुधारक काम किए, उन्हां दे ज़्यादातर की है प्रभु भगती विच लीन रहिंदे सन। उन्होंने मतलब 22 साल तक उन्होंने किहड़े मतलब देश विदेशों विच उन्होंने चारां दिशावां दी उन्होंने यात्रा की, तो उन्होंने अपने अलग अलग
कविता लिखी, एक दो कविता मैं तुहानू श्लोक दसदी हाँ। पवनु गुरु पाणी पिता, तो दूजी है पंजी रिवाणा वक्त पंजी पंजा नाहू, और एक उन्हां दी कविता सी हकू पराया नानका, और उन्हां दी तीजी सी केहा कंचन टुटे सारू। ये इन्हां दी जिहड़ी की है कविता है लिखी, पहली च है उन्होंने लिखे पवनु गुरु पाणी पिता माता धरती मतहू, दिवसू राती दोही दाही दया खेले, सरल जगतू चंगी आई बुरी आई वाचे, धर्म हुंदरू करमी आपो अपनी दे नेड़े ते दूरी, जिन्नी नामू त्याया गए मस्कती कली, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाली। कहते पवनू हुंदा हवा श्वास, श्वास हुंदा प्राण, ते महतू महतू हुंदा वड्डी, दिवसू दिवसू हुंदा दिन, और रत्ती रत्ती दाया दाई ते खिंडावी, सगल हुंदा सारा, वाचे वाचे मतलब परखदा। कहंदे कि पवनू गुरु पाणी पिता माता धरती मतू, दिवसू राती दुआई दया थेले सगल जगतू। कहंदे हवा शरीर लई इस तरह है, जिवें शरीर जीव दी आत्मा लई गुरु है, ते पानी सब जीवां नाल जरूरी है, धरती सब तो वड्डी साडी माँ है, दिन होवे चाहे रात होवे खिडावां ते खिडावी हन, ये सारा जग की है खेड रहा है। गुरु नानक देव जी कहंदे कि हवा जिन्ना अपने दे लई हवा जरूरी है, उन्ना अपने लई मतलब रब की भगती करना जरूरी है, क्योंकि जेकर आप रब की भगती नहीं करांगे तो अपना जिहड़ा बेड़ा की है पार नहीं होएगा, अपना नू मतलब जिवें आप चंगे काम करांगे तो अपने अगे अपन नू चंगे मतलब सर्ग कहंदे कि सर्व लोग की प्राप्ति हो, जे आप माड़े कर्म करांगे तो अपन नरक च जगह मिलती है। तो गुरु नानक देव जी का मतलब एको ही कहा सी भी आप अपने चंगे सादगी का जीवन बतीत करना चाहिए है, तो अपन रब की भगती करनी चाहिए है, तो नेकी की कमाई करनी चाहिए है, तो नेकी की राह चलना चाहिए है। बेटा मैं थोनू आ पहली कविता सी आना गुरु नानक देव जी का जोड़ा परिचय सगा पूरा वो थानू समझाता, तो आप थानू कि अपनी नोटबुक से लिखना है तो उन्होंने याद भी करना, और थानू जो PDF भेजे है वो जी पहली प्रसंग है वो उन्होंने पूरा याद करना, जोड़े उन्होंने औखे शब्द दिते है वो अपनी नोटबुक से करना है। ये थोड़ा शुरू का रिविजन है, रिविजन चल रहा थोड़ा, तो औखे शब्दों के थोड़ी नोटबुक होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।